नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हैं वाई समय। इस समय हम खड़े हैं जनपद कार्यालय के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है माहौल बना है, किस जैसे जैसे सदस्य आते आ रहे हैं वैसे वैसे जो है भीड़ लगती आ रही है जनता के साथ। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए नीमच जिले के विधायक दिलीप सिंह जी परियार। बात करते हो तो भाई साहब कितने सदस्य हैं? भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्य हैं और अभी आप देखोगे कि वो सारे सदस्य भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करेंगे। हम देखते हैं त्रिस्तरीय चुनाव की घोषणा हुई है मध्य प्रदेश में। माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी कार्यशैली की वजह से सब दूर कमल खिला है। जनपद में सदस्य जीत के आए हैं, आज जनपद अध्यक्ष बनाएंगे, कल जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, फिर नगरपालिका अध्यक्ष बनाएंगे और जनता की सेवा करने का काम करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह का माहौल है, स्वर्णकर धर्मशाला के यहाँ ताला लगा हुआ, तालाबंदी कर रखी है, उसको बाड़ा बना रखा, सेंट्रल जेल नुमा बना रखा, क्या कारण है? कोई नहीं, हमारा कार्यकर्ता खुला घूम रहा है और कुछ लोग उपद्रव फैलाना चाहते हैं, हम उन लोगों को जवाब देते हैं। सौम्य शक्ति की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर चलती है और सबका साथ लेकर ही आज स्वेच्छा से निष्पक्ष मतदान होगा और कमल खिलेगा। जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, उस तरह लग रहा है कि जिस तरह कोई बातें उठ रही है, यही कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा, जबकि कांग्रेस के मतलब अगर बात करें तो केंद्र में सरकार इनकी, मध्य प्रदेश में सरकार इनके बावजूद भी जो है सदस्यों को कैद में कर रहा है। कोई डर नहीं, हमारे सदस्य घूम रहे थे और हमारे सदस्य निष्पक्ष होकर मतदान कर रहे हैं, किसी प्रकार का भय नहीं है और महिलाओं का आरक्षण हुआ है, बहन अभी अध्यक्ष बनेगी यहाँ। जिस तरह का आप बता रहे हैं कि भाई सदस्य खुले में घूम रहे थे, बाउंसरों की जो देखा जाए तो बड़े ही मुस्तैदी के साथ, बड़े ही आप बात चाक चौबन के साथ उनको लाया जा रहा है, क्या कारण है? कोई चौक चौकन नहीं है, हम गाड़ी में बैठ के आए, कार्यकर्ता में उत्साह रहता है, इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में यहाँ आ रहा है, वो देखना चाहता है कमल खिलता है, उस खुशी में शामिल होना चाहता है, इसलिए हमारे प्रभारी आए हैं जगदीश जी अग्रवाल जी मानकर। हमारे साथ प्रभारी भी मौजूद है, जगदीश जी मौजूद है, बात करते हैं, क्या कहेंगे? मैं जो यहाँ देख रहा हूँ जनता के बीच में जितना उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, हालांकि ये दलगत चुनाव के आधार पर चुनाव नहीं हुए, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरपंच से लेकर के जनपद, जिला पंचायत और नगर पालिकाओं में पार्षद के रूप में अनेकों कार्यकर्ता जीत करके आए हैं और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जनपद में भी और जिला पंचायत में भी और नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ताओं का ही कब्जा रहेगा, वही अध्यक्ष बनने वाला। हम कांग्रेस विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 सदस्य जो है वो अभी कैद में कर रखे हैं, स्वर्ण धर्मशाला को सेंट्रल जेल नुमा बना रखी, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का तो कल्चर है झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना, ऐसी कोई किलेबंदी नहीं है। कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हुजूम सामने खड़ा हुआ है और इसलिए अगर वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे कुछ चर्चा करना है, दिलीप भाई को चर्चा करना है, हमारे नंद किशोर जी पाटीदार हैं इनको कुछ चर्चा करना है, तो क्या आप मानते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ के अंदर चर्चा हो जाएगी? संभव ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने उनके साथ में बैठ करके चर्चा करी थी, बाकी इसके अलावा कोई बाड़ाबंदी नहीं है, कोई जेल नहीं है। हमारे साथ प्रवेश नंद किशोर जी पाटीदार भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे भाई साहब? देखो, पूरे प्रदेश में और सब दूर भारतीय जनता पार्टी की लहर है और हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर मतदाता चाहता है कि हर जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीते और उसी के कारण आज 15 लोग जनपद में जो चुनाव जीत के आए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का जनपद अध्यक्ष बनाने के लिए तत्पर है और भारतीय जनता पार्टी की जनपद बन रही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह का ये लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा था इसलिए उन्होंने बाउंसरों की व्यवस्था करी, इतनी चाक चौबंद कर रखी है, पुलिस के प्रशासन की व्यवस्था फुल कर रखी है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या कोई दादा पहलवान, ऐसा कोई व्यक्ति को नहीं बुलाया है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी तो बाउंसलर हो सकता है ना, इसलिए वो सब आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से वो सब प्रभावित है और वो सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जनपद अध्यक्ष बने। क्या कहेंगे आपके जनपद अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी में पूरा जीवन उन्होंने अपना काम किया है, उनके पूरे परिवार ने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, यहाँ तक कि जनसंघ के समय से वो परिवार भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय मतलब जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। ये थे हमारे साथ दिलीप सिंह जी परियार विधायक जी और पाटीदार जी और प्रवेशक जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह के हालात बने, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कोई कैद में नहीं कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य सब खुले में घूम रहे हैं, ये जरूर है कि उनको गाड़ी में बिठा के स्वर्ण धर्मशाला जनपद में लाया जा रहा है, उनसे फार्म भरवाया जा रहा है, फार्म जमा करवाया जा रहा है।
22 एमबी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।